कहीं पर अगर झगड़ा होता है तो उसे सुलझाने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन अगर पुलिस वाले ही आपस में भिड़ पड़े तो क्या होगा? महाराष्ट्र से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। न तो वर्दी का लिहाज है, न वीडियो बनने का डर है। ये दोनों पुलिस वाले बीच सड़क पर ही जूतम पैजार कर रहे हैं। न आओ देखा न ताओ, और आपस में ही भिड़ गए। खाकी की ऐसी तस्वीर हैरान करने वाली है। एक पुलिस वाला हाथ से मारपीट करने लगा तो दूसरा तैश में आ गया। उसने निकाला अपने पैर का जूता और सामने वाले पुलिस के सिर पर मारना शुरू कर दिया। जूता दे दनादन चलता रहा और वीडियो बनता रहा। पास ही खड़े पुलिस वालों ने मामला बढ़ता देखा तो बीच बचाव करने पहुंच गए। दो लोगों ने इस लड़ाई को शांत करना चाहा तो उन्हें भी धक्का मारकर गिरा दिया गया। आखिरकार किसी तरह बवाल को थामा गया, मगर लड़ाई खत्म होते होते भी जूते दिखाए गए। ऐसा लगने लगा मानो ये साहब जूता इसलिए ही पहनकर आए थे। यह वीडियो महाराष्ट्र के भंडारा का है। एक सरकारी अस्पताल के सामने 7 पुलिस वाले मौजूद थे। इनमें से विष्णु खेड़ीकर और विकास गायकवाड़ नाम के पुलिस वाले एक दूसरे से बहस करने लगे। मामूली सा विवाद इतना बढ़ गया कि जूते को हथियार बना लिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे की फजीहत तो आला अधिकारी हरकत में आए। आनन फानन में जांच शुरू कर दोषी पुलिस वालों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। टीम न्यूज नेशन।